हेलो हेलो बेटा, क्लास 5। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बेटा। आज क्लास 5 हम अपना हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और हिंदी में हम पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 में आपको समझा चुकी हूँ, उसके मैंने आपको अर्थ भी करवा दिए हैं, कठिन शब्द भी बताए हैं, पाठ को अच्छे से समझाया भी था अगर आपको याद हो तो। बेटा आज की डेट में 21 तारीख है, 21 डेट है, ठीक है। हमारा पाठ का नाम है अपनी वस्तु, पाठ 3 है, ठीक है बेटे। और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा पाठ को एक बार हम याद कर लेते हैं कि पाठ था क्या। बेटा आप जानते हो पाठ के अंदर दो भाई थे और उनकी भूमि है यानी जमीन है ना बेटे, और वो दोनों भाई अपनी इस भूमि के लिए, अपनी जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। कि वो एक कह रहा था कि ये जो जमीन है, जो पिताजी तो चले गए लेकिन जो पीछे से जो जमीन बच गई है उसमें एक हिस्सा पिताजी मुझे दे के गए हैं, और दूसरा कह रहा नहीं, ये जमीन ज्यादा है, बल्कि मेरी वाली जो जमीन है ना वो तुम्हारी है और ये मेरी है। इस तरह से उस भूमि के बंटवारे के चक्कर में दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा था। तो उन दोनों भाइयों का तो झगड़ा चल ही रहा था, तभी एक स्वामी जी, महात्मा जी वहां से आ रहे थे, जैसे संत होते हैं, साधु होते हैं, है ना बेटा। वो तो उन्होंने देखा कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आखिर बात क्या है, क्योंकि अच्छे लोग कभी किसी को झगड़ा करते हुए इस तरह से परेशानी में नहीं देख सकते। तो जब उन्होंने देखा, वो गए, उन्होंने पूछा आखिर बात क्या है, आखिर आप दोनों में इस प्रकार से ये बहसबाजी क्यों हो रही है, आप दोनों आपस में बहस क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को इस तरह ऊंची आवाज में बातें क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम दोनों को इस भूमि के बंटवारे में क्या है प्रॉब्लम है यार, ठीक है बेटा। हम दोनों का आपस में इसको लेकर के कुछ आपस में इस बात पे समझौता नहीं हो पा रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि अभी आप ऐसा करिए कि मेरे साथ चलिए, जिस भूमि के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं उसके लिए थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस प्रकार वो उन्हें अपने साथ लेकर गए, एक पेड़ के नीचे गए, फिर वहाँ पे उन्होंने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप जिस भूमि के लिए झगड़ा कर रहे हैं वो भूमि को तो पूछो कि आखिर वो भूमि है किसकी, क्या आपने उस भूमि से पूछा कि वो किसकी है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी, उन्होंने कहा ये महात्मा जी क्या कह रहे हैं, महात्मा जी ठीक तो हैं, कहीं इनको कोई दिमागी कोई बात तो नहीं है कि कहीं ये परेशान हो और क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी भूमि भी कभी बोलती है क्या? तो महात्मा जी ने कहा कोई नहीं, भूमि बिल्कुल बोलती है, मैं आपको भूमि से पूछ कर बताऊंगा। तो बेटा क्योंकि लोग जानते हैं संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए उन दोनों भाइयों ने संत महात्मा की बात पे विश्वास कर लिया, ठीक है। ये दोनों जो दो भाई थे इन्होंने संत महात्मा की बातों पे विश्वास कर लिया और वो उनके साथ गए। फिर महात्मा जी ने कहा कि मैं इतनी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपने अपने घर जाकर मेरे लिए पानी, ठंडा पानी, भोजन लेकर आइए। तो दोनों भाइयों ने कहा पहले भूमि के बारे में कुछ बात कर लें। तो उन्होंने कहा अरे भूमि भी यही है, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, ठीक है, पहले कुछ खा पी लें तो अच्छा होगा। दोनों भाई चले गए। महात्मा जी ने ऐसा क्यों किया? यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। महात्मा जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस वक्त दोनों भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और गुस्से में किया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता, और गुस्से में हम किसी को समझाना भी चाहें तो वो हमारी बात को सुनना पसंद नहीं करते या सुनकर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि हम किसी शांत व्यक्ति किसी को शांत कर कर अच्छे से समझा सकते हैं। तो इसी बात को सोचकर महात्मा जी ने उन दोनों को भेज दिया। दोनों भाई घर गए, नहाए, अच्छा सा खाना बनवाया, पानी लेकर आए, खाना लेकर आए महात्मा जी के लिए, ठीक है बेटा। और दोनों पहुँचे पेड़ के नीचे, महात्मा जी उनका इंतज़ार कर ही रहे थे। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को कहा कि आप दोनों जो भी बना के लेके आए हैं उसे निकालिए और परोसिए, और उस खाने को महात्मा जी ने 3 भागों में बांट दिया। तीनों जनों ने मिलकर उस भोजन को खाया। तब तक दोनों भाई शांत क्या
यस, शांत हो चुके थे। सही कहा। तो शांत होने के बाद में महात्मा जी ने कहा, चलो अब मैं भूमि से बात करता हूँ। जब उन्होंने कहा तो उन्होंने सोचा कि, भाइयों ने कहा कि चलिए पूछे देखिए भूमि क्या कहती है। तो उन्होंने उस भूमि के पास जाकर नीचे लेटकर अपना कान भूमि के पास लगाया और भूमि के पास जाकर उन्होंने कहा, सुना कुछ और फिर खड़े हुए, फिर हंसने लगे। तो भाइयों ने सोचा बात क्या है आखिर। तो उन्होंने कहा कि भूमि मुझसे कह रही है कि ये दोनों भाई तो बेवजह ही झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूमि तो कह रही है कि मैं तो कभी किसी की हूँ ही नहीं। तो दोनों भाइयों ने कहा, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे पिताजी की भूमि थी और अब हमें प्राप्त हुई है, तो ये हमारी है। तो उन्होंने कहा, यही तो भूमि कह रही है कि मैं कभी किसी एक की नहीं रहती, मैं कभी किसी एक की नहीं रहती। अभी ये मेरे लिए झगड़ा कर रहे हैं, कल ये इनके बच्चे बड़े होंगे तब मैं उनकी हो जाऊंगी, तो आखिर ये किसके लिए झगड़ रहे हैं? मैं तो कभी किसी एक की नहीं रही। उससे पहले इनके पिताजी के पास थी, पिताजी से पहले उनके दादाजी के पास, उससे पहले तो न जाने ऐसे कितने राजा महाराजा सभी आपस में झगड़ा कर रहे थे और भूमि के लिए न जाने कितने लोग लड़ गए मर गए, लेकिन किसी को भी मैं प्राप्त हुई नहीं। मैं तो जहाँ थी वहीं रही और मेरा उपयोग तो वही कर पाया जिसने प्यार से मुझे सींचा, प्यार से मुझे काम में लिया। मैं उसी की हूँ, है ना, और एक साथ मिलकर जो मुझे काम में लेते हैं मैं उन्हें ज्यादा फल प्राप्त करवाती हूँ। ये बात दोनों भाइयों को समझ में आ गई कि अरे हाँ, हम दोनों तो बेवजह ही झगड़ रहे हैं। आज हम झगड़ा कर रहे हैं और कल बूढ़े हो जाएंगे, दोनों भाई एक दूसरे के लिए सोचेंगे कि मिलें कैसे करें, और कल हमारे बच्चों के पास चली जाएगी। तो इस तरह से दोनों भाइयों को ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये पाठ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना बेटा। और पाठ में अंत में महात्मा जी ने उन्हें ज्ञान दिया कि इस प्रकार से ये जो भूमि है वो किसी के पास नहीं रहती। अच्छा ये होगा कि हम कुछ ऐसे कर्म करें ताकि हम जब इस संसार से जाएं तो भी लोग कहें कि देखो कोई ऐसा इंसान था जिसने इतना अच्छा कार्य किया, सबके लिए भलाई का कार्य किया, और दोनों भाई आपस में कितने प्रेम से मिलकर रहे। तो ये बात दोनों भाइयों को समझ में आई, दोनों भाई गले लग गए और आपस में प्रेम से रहने लगे। ठीक है बेटा, तो अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। तो आपके पास बुक तो है सभी के पास में, फिर भी मैं आप सबको इसकी कुछ क्लिप्स भेज रही हूँ, फोटोज भी भेजूंगी पार्ट की, भेज भी चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर भेज दूंगी। अब इसमें कुछ प्रश्न है, तो सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है बेटा, पहला पैराग्राफ आप सबने देखा है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है। अगर आपके पेपर्स होंगे जब भी, तो आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न उत्तर हमें पीछे से ही आएंगे, बीच में से ही पूछ सकते हैं, आप बड़े हो गए हो, है ना बेटा। तो आपको अगर कुछ प्रश्न उत्तर बीच में से पूछें तो आपको इसके उत्तर आने चाहिए। तो अब हम इसके बीच के प्रश्न उत्तर करेंगे, करें बेटा स्टार्ट। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स ले आइए और नोटबुक्स भी ले आइए, क्योंकि मैं आपको प्रश्न और उत्तर दोनों ही करवाऊंगी और इसकी आंसर्स की कॉपीज भी आपको भेजूंगी, पर आप एक बार सुन लें और समझ लें। ठीक है बेटा, उसके बाद जो मैं फोटो भेजूंगी उससे देखकर आप इस प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में करेंगे। हाँ बेटा, तो अपना जो पहला पैराग्राफ है उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न एक, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? तो आपने अभी भी मैंने आपको समझाया था पाठ, ठीक है बेटा। तो कौन कर रहे थे बेटा लड़ाई झगड़ा? यस, लड़ाई झगड़ा आपस में दो भाई कर रहे थे, है ना। तो दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, बिल्कुल इजी प्रश्न है और इजी इसका आंसर है, बहुत आसान है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दो, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? हाँ बेटा, किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? भूमि के लिए। यस, तो दोनों भाई भूमि पे स्वामित्व जताने के लिए, क्योंकि एक कह रहा था इस भूमि पे मेरा अधिकार है, दूसरा कह रहा था मेरा अधिकार है, तो दोनों भाई भूमि पर अपना स्वामित्व जताने के लिए झगड़ा कर रहे थे, या अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार बनाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। अब हम आते हैं प्रश्न तीन पर। तो प्रश्न तीन हमसे कह पूछता है, प्रश्न तीन हमसे क्या कह रहा है कि दोनों भाइयों को
किसने समझाया? दोनों भाइयों को किसने समझाया? तो दोनों भाइयों को बेटा आप जानते, मैंने अभी भी बताया था आपको, किसने समझाया दोनों भाइयों को? हाँ, वेरी गुड, महात्मा जी ने, दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न बना है। अब आगे कुछ और प्रश्न हमारे इसमें से बनते हैं। देखिए बेटा, जैसे पहले पैराग्राफ में आपसे मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? तो महात्मा जी ने मार्ग में देखा कि दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, है ना? और दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे थे, यानी क्या कह रहे थे दोनों भाई? तो दोनों क्या कह रहे थे कि ये भूमि मेरी है, दूसरा कहता ना ये भूमि मेरी है। ठीक है बेटा, तो ये आपके प्रश्न हो गए। अब हम आते हैं इससे अगले वाले पैराग्राफ पर। अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि हमारे क्या प्रश्न बनते हैं। हाँ, तो बेटा हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा का स्वभाव कैसा होता है? महात्मा का स्वभाव कैसा होता है? तो आप जानते हैं कि इस पाठ में हमें बताया कि महात्मा का जो स्वभाव है वो दयालु एवं परोपकारी होता है, अर्थात कि महात्मा सभी पे दया करने वाले, परोपकार करने वाले होते हैं, है ना बेटा? तो अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा ने क्या उपाय सुझाया? महात्मा ने क्या उपाय सुझाया? तो महात्मा ने क्या उपाय सुझाया था, मैंने अभी भी आपको बताया था कि महात्मा ने कहा कि हम भूमि से ही पूछ लेते हैं, भूमि से ही उसका निर्णय जान लेते हैं कि आखिर वो भूमि किसकी है ना बेटा? तो महात्मा जी ने क्या उपाय सुझाया, एक बार फिर से बोलेंगे हम कि हम महात्मा जी ने यह उपाय सुझाया कि हम भूमि से ही पूछ लेते हैं कि आखिर यह भूमि किसकी है, भूमि से ही उसका निर्णय जान लेते हैं। अब हमारा इसका अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, महात्मा कहाँ बैठ गए? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, महात्मा कहाँ बैठ गए थे बेटा? महात्मा पेड़ की छाया में बैठ गए थे, पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठ गए। ठीक है बेटा, कहाँ बैठे थे एक बार फिर से बताइए? महात्मा पेड़ की छाया में, पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठ गए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है भूमि ने महात्मा से क्या कहा? भूमि ने महात्मा से क्या कहा? क्या कहा? हाँ बेटा, पाठ के अंदर हमें उत्तर दिया है, भूमि ने कहा कि मैं जो हूँ वो इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो किसी की नहीं हूँ, पर ये सभी मेरे इस भूमि पे रहने वाले सारे मेरे बच्चे हैं, ये दोनों भी मेरे ही हैं, और इनकी इससे पहले जो इनकी पीढ़ियाँ थी वो भी मेरी थी, ये भी मेरे हैं, मैं सभी की हूँ, मैंने सभी को इनके इनसे पहले जो इनके पूर्वज थे सभी को पाला भी है, सभी को इस धरती पे जीते हुए और मरते हुए देखा है, इसलिए मैं सभी की हूँ। तो ये आपके प्रश्न हैं जितने भी मैंने आज करवाए हैं, इन्हीं प्रश्नों को आपको मैं कॉपी में भी करवाऊंगी। अब इसके आगे के कुछ प्रश्न भी हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे के प्रश्न भी करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। हाँ तो बेटा, अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो बेटा जैसा हम जानते हैं कि जब महात्मा जी उन भाइयों से मिले थे तो दोनों भाई बहुत अधिक क्या थे? क्रोधित थे, क्रोधित अवस्था में थे। तो महात्मा जी का भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि जो भोजन बनाकर जब वह भाई लाएंगे तो उस बीच में जो समय बीतेगा उस समय के साथ साथ उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा और दोनों भाई शांत अवस्था में आ जाएंगे, जिससे वो महात्मा जी की बात को अच्छी तरह से, पूरी तरीके से और प्रेम पूर्वक समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर इस उत्तर को सुनिए, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का यह उद्देश्य था कि
उस समय भोजन बनाने में और उसको लेके आने में और खाने में जो समय व्यतीत होगा, उस समय के बीच में, समय के साथ साथ उनका जो क्रोध है वह शांत हो जाएगा और वो महात्मा जी की बात को प्रेम पूर्वक समझ पाएंगे। ठीक है बेटे, तो ये आपका प्रश्न था। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है, देखिए, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? इसे देखिए, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? दोनों भाई को क्यों लज्जित होना पड़ा अंत में? दोनों भाई इसलिए लज्जित हुए कि जिस भूमि के लिए दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे, उन्हें ये एहसास हुआ अंत में कि वह भूमि दोनों में से किसी की भी नहीं है, ना वो किसी की थी ना है, बल्कि वो सब उस भूमि के हैं, भूमि किसी की नहीं है। भूमि तो जो जो जिस वक्त उस समय संसार में होता है उसकी बन जाती है, तो इसीलिए भूमि सबको अपना लेती है। वो दोनों उस भूमि के थे, भूमि किसी की नहीं थी, वो व्यर्थ में ही आपस में दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न को हम देखेंगे कि महात्मा जी ने, देखिए, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? तो महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया था कि ये दोनों भाई व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे थे, यह धरती किसी के साथ नहीं जाती। महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को यह समझाया कि आप दोनों भाई आपस में व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हो, यह भूमि किसी के साथ नहीं जाती। न जाने कितने महान राजा इस धरती पर पैदा हुए, भूमि के लिए लड़े, शहीद हो गए, कुछ मर गए, है ना, लेकिन यह भूमि किसी के साथ नहीं गई, यह यहीं रह गई। इसलिए आप दोनों का भूमि के लिए आपस में प्रेम को भुलाकर लड़ना व्यर्थ है। ठीक है बेटा, तो अब हमारा अगला जो प्रश्न है इस पाठ का, वो पाठ का हमारा प्रश्न है कि महात्मा जी के अनुसार लोक परलोक संवारने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो अभी इस प्रश्न के उत्तर को हम करते हैं। क्या प्रश्न है बेटा अपना? हाँ, तो बेटा आप एक बार फिर से सुन लेते हैं हम अपना, ये प्रश्न है हमारा 11वां, कि महात्मा जी के अनुसार लोक परलोक संवारने के लिए क्या आवश्यक है ना बेटा? तो लोक परलोक संवारने के लिए महात्मा जी ने उनको क्या समझाया था? पाठ में पंक्ति भी दी है कि उसके लिए हमें भगवान का नाम सुमिरन करना चाहिए। भगवान का नाम सुमिरन क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर अच्छे कर्मों को करने की भावनाएं जागृत होती है, हम अच्छे कर्म करते हैं ना बेटा, इसीलिए हमें भगवान का नाम सुमिरन करना चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसी से हमारा लोक यानी इस संसार में भी हम अगर अच्छे कर्म करेंगे हम सुखी रहेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो परलोक यानी पराया लोक यानी भगवान के घर जब हम इस संसार से जाएंगे तब भी हमारे नाम की वाहवाही होगी, तब भी हमारी आत्मा को सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। तो ये आज के हमारे प्रश्न उत्तर हैं। तो मैंने आपको अभी तक के सारे प्रश्न उत्तर करवाए हैं, इसके उत्तर सुनाए हैं। अब मैं लिख कर आपको प्रश्नों के जो उत्तर है, प्रश्न सहित इसकी फोटो भी आपको भेज रही हूँ। आप क्या करेंगे कि उसको देखेंगे उन प्रश्नों को और अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो आपकी कॉपी में प्रश्न उत्तर पूरे होने चाहिए। ओके बेटा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास हमारी यहाँ पे होती है फिनिश। आप सब ध्यान से हर प्रश्न के उत्तर को सुनिएगा, कोशिश करिए कि 2-3 बार हर प्रश्न के उत्तर को सुनिए, सुनते ही आपको मेरे हिसाब से सभी को याद हो जाएगा। ओके बेटा, बाय। अपना ध्यान रखिए, मम्मी की, पापा की, सबके हेल्प करिए और सबके साथ प्यार से रहिए। ओके, बाय।